हाँ आप जरा बताइए। यार, यही है। मैं खुद हैरान हूँ। मैंने तो मतलब इतना कमाल का एक्शन देखा ही नहीं है, मतलब बड़े टाइम में औरतों का, और वो भी इंडियन विमेंस का, इतना बड़ा वो जो है एक्शन। मज़ा आएगा। हाँ, बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ यार। मतलब देखते हैं क्या काम किया है, कुछ अलग तरह का शेड है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और पसंद करें। थोड़ी टायर्ड हूँ, कल बहुत पार्टी की हमने तो नहीं, मेरी बहुत करीबी दोस्त का 45th बर्थडे था, तो बहुत मज़े किए। तो हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। ट्रेलर तो बहुत अच्छा है। मेरा बहुत करीबी दोस्त आशीष वर्मा वो है इसमें, और मैं सुन रही हूँ बहुत ही अच्छा किया सबने, बहुत अच्छा किया। और मैं होमी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो जो भी करते बहुत मज़ेदार, बहुत अलग, बहुत ही एक कमाल का उनका देखने का नज़रिया है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द होल शो एक्चुअली। क्वालिटी इसी को कहते हैं, है ना? तो अगर इंसान, अगर आदमी कर सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं कर सकती? आई थिंक इसमें ये मैटर नहीं करता आदमी है या औरत है, कौन किस तरीके का क्या काम कर रहा है, यू नो, उसका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उस पे ज़्यादा बात जाती है। सही है, व्हाई नॉट यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि OTT में मुझे लगता है कि काफ़ी सारे डॉन जो हैं बड़े हिट हुए हैं, दो यहाँ खड़े हैं तो आई थिंक जो है लेडी डॉन्स का जो टाइम है वो इस शो के बाद शुरू हो जाना चाहिए। और यही कमाल है OTT की कि हम लोग किसी भी तरह के स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और किसी भी तरह के एक्टर्स काम कर सकते हैं, यही अच्छी बात और है। ये सब रियलिटी इंडिया की यार। ये हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेल्स ही सब कुछ डोमिनेट करते हैं, बट ऐसी बात नहीं है। थैंकफुली देर आर फीमेल्स ऑल्सो हु डू देयर बिट एंड विच इज़ क्वाइट नेचुरल। तो अगर अच्छा करती हैं तो थोड़ा ग्रे एरिया में भी हो सकती हैं। Because I promise you, this is Dimple Kapadia's best performance ever. There, I said it. No pressure. Thank you. I mean, coming from Homi, that means a lot to me. Considering that he keeps saying that I
I threaten him with rolls. With rolls, you and know. Now you want to say the truth. But the truth is this: that every time he makes a film, he calls me up and says, "Please, Dimpart, please, Dimpart, do my film, otherwise I'll commit suicide." Otherwise, I'll what? Commit suicide. Otherwise, I'll commit. Acha, आपका trailer 27 million का हो गया. आपको क्या feeling होती है? मैं अपनी खुशी बयान ही नहीं कर सकती. आई एम सो हैप्पी कि इतना प्यार मिल रहा है. इट्स अनबिलीवेबल. आई एम रियली थ्रिल्ड. आई एम वेरी हैप्पी. हाउ वाज इट टू प्ले अ गॉडफादर, गॉडमदर? द ट्रूथ इज आई वाज शिवरिंग, दैट्स ऑल राइट, बट होमी मैनेज्ड टू पुल इट ऑफ विथ हिज एडिट. ही इज वेरी गुड, ही सेव्ड मी, बट बेसिकली आई वाज शिवरिंग, बट इट वाज अ ग्रेट फीलिंग. व्हाई डज होमी नेवर डू अ पीस ऑफ कंटेंट विदाउट यू टिल डेट? Because she said, no, I go begging her to do it. That you do. No, I don't. She forces me to do it. I'm scared of her. That's wrong, Romy. The point is that, you see, in my previous birth, Homie and me were very, very close. I mean, we had a... Yeah, yeah. Chal. You know. So, and he... Okay, and you know, this is why I know you're not allowed to come next to mics. And he betrayed me then. So now okay, he's finally thank you very making much. Up for it. शो भी कुछ ऐसा ही है. हमने बहुत प्यार से बनाया है. एक्शन दिख रहा है बट हमने बहुत प्यार से बनाया है. हम बहुत एक्साइटेड हैं. फाइनली इट्स रिलीजिंग एंड आई कुडंट बी हैप्पियर. आपने देखा ना रानी बा को? हाँ बिल्कुल, रिश्तों के रूप बदल रहे हैं. हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, पहले की तरह. मतलब जो सास बहू पे यूजली सोप ऑपराज बनते थे उसके ऊपर होमीज ट्राइड समथिंग डिफरेंट एंड व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दैट. बहुत ही एक्साइटिंग है ट्रेलर. बहुत ही एक्साइटिंग है. सास बहू और फ्लेमिंगो आई थिंक बहुत ही बैडास ट्रेलर है एंड रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अभी अंदर स्टार्ट होने वाला है तो देखेंगे. एंड होमी भाई की जितनी भी फिल्म्स होती हैं, जितना भी कंटेंट होता है, जितनी भी डायरेक्शन होती है, उसका मैं खुद पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सास बहू और फ्लेमिंगो. सबकी है, सबकी. डिम्पल मैम, राधिका, आई थिंक एवरीवन. आई थिंक इट्स अ ग्रेट एंसेंबल एंड सबकी परफॉर्मेंस देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. अनिया डायरेक्टर, मेडॉक, डिम्पल जी, हमने अभी अभी साथ में एक फिल्म शुरू की है, मतलब ख़त्म की है, शुरू नहीं, तो बस देखेंगे, मज़ा आएगा. अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. आठ नौ महीने बाद. अभी तो शूटिंग ही ख़त्म किए हैं अभी तो कुछ दिन पहले. बताएंगे, उसके लिए सेपरेट मिलेंगे हम लोग. थैंक यू यार. पहली बात तो बिग कंग्रेचुलेशंस टू सास बहू एंड फ्लेमिंगो की पूरी टीम. व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट यार. दबंग उनका काफ़ी टाइम पहले से बनता था एंड क्यों सिर्फ मर्द ही दबंग हो. बनता है कि यू नो द वुमेन इन आर कंट्री आर इक्वली पावरफुल आर इक्वली यू नो उन पे उतनी कन्विक्शन है, कुछ ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ है. सो आई थिंक डेफिनेटली ये बनता है कि वुमेन इन द कंट्री शुड ऑल्सो बी इक्वली दबंग. और ये सास बहू का एक नया अवतार देखने में मज़ा आएगा. देखिए जब मदन कुमार की बात होती है साथ में गाली निकलती है, वो मैं निकाल नहीं पाऊंगा अभी. बट हैविंग सेड दैट, जुबली टचवुड हैज़ हैड अ ग्रेट रन एंड हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ लव. बहुत प्यार मिला है, बहुत इज्जत मिली है. सिर्फ सबको हाथ जोड़ के शुक्रिया है, ऑडियंस को, फटर्निटी को, फॉर ब्लेसिंग मी, फॉर ब्लेसिंग द शो. एंड येस, मूविंग टू बर्लिन एक स्पाई थ्रिलर है जहाँ पर मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर प्ले कर रहा हूँ. आपको देख के मज़ा आएगा. वो भी इसमें जो काम कर रहे हैं अंगीरा, ईशा, राधिका, my co-actor and obviously Homi sir and Dinu, I'm very excited for the show. जी डिम्पल मैम भी है. मैं ऑफकोर्स मतलब उनके तो हम बचपन से बहुत बड़े फ़ैन हैं. उनको इस अवतार में देख कर, ट्रेलर में जिस तरीके से वो एक्शन कर रही हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को लीड कर रही है, आई थिंक इट्स जस्ट फैंटास्टिक. तो मैं ये नया अवतार देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मेरी अभी वेब सीरीज़ नहीं आ रही है, मेरी दो फिल्में हैं पाइपलाइन में.
सो वो होपफुली बाय द एंड ऑफ द ईयर आएंगी. सो फॉर द बेस्ट 2023 हियर वी कम. आई सॉ द ट्रेलर अभी होमी के साथ. मैंने एक फिल्म फिनिश की है जिसका नाम है मर्डर मुबारक. और वहाँ पे हमने ट्रेलर देखा क्योंकि सास भी कभी बहू थी एंड वी लव्ड इट. कांट वेट टू वॉच. एक्चुअली दिस काइंड ऑफ न्यू टेलिंग ऑफ स्टोरीज बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे. नहीं तो सब कुछ एक समान लगता है. तो ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ओरिजिनल है. एंड होमी इज सो मैड एंड सो फन कि ये कुछ अनोखा और अनयूजुअल होगा जिसके मज़े मैक्सिमम ऑडियंस को आने वाले हैं. मेरा क्या किरदार है? मेरा किरदार है छोटी बहू का. उसका नाम है काजल. बहुत ही मूफट है, बहुत ही एजी है, काफ़ी लेयर्ड है, काफ़ी सीक्रेट्स हैं उसके जो ज़्यादा दिखाना नहीं पसंद करती है लोगों को. एक्साइटिंग है, देख लीजिए. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा और मेरे होश उड़ गए. एंड माय वेरी गुड फ्रेंड राधिका मदान इज आल्सो इन इट. मेरी पिक्चर उनके साथ आने वाली है कच्चे लींबू, तो मैं उनको यहाँ पे फुल सपोर्ट देने के लिए रेडी हूँ. और मेरे दोस्त आशीष भी इधर ही है. सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई एम एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ देम. डिम्पल मैम इज़ लुकिंग सो प्लीज़. तो बस यही है.